Assalamualaikum students. I hope you are all doing well. आज के के लेक्चर में हम की को तो exercise को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। exercise का जो फर्स्ट क्वेश्चन है देट इज गिट पार्ट ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क् माइनस एक्स और तरह हमारे पास एक दूसरा फंक्शन है पार्ट बी में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स प्लस फोर तो ये दो फंक्शन हमारे पास x के और हमने इन फंक्शंस को एवेल्युएट करना है इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है तो हर एक फंक्शन के लिए पार्ट वन में हमने f ऑफ माइनस टू कैलकुलेट करना है यानी हमने इन दोनों फंक्शंस को अलग अलग की वैल्यू फाइंड करनी है माइनस पे इसी तरह द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट जीरो फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स माइनस वन और इसी तरह वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स प्लस फोर तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन तो पहले हम फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं जो कि पार्ट ए में दिया हुआ है कि एफ एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अब हम इस फंक्शन के लिए ये सारे पार्ट्स कैलकुलेट करते हैं वन टू फोर तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है f of minus तो यहां पे देखे हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है विच इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और हमने एफ ऑफ माइनस टू कैलकुलेट करने है तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको एक लेक्चर में बताया था कि ये जो ब्रेकेट्स के अंदर स्मॉल ब्रेकेट्स के अंदर जो नंबर्स लिखे होते हैं ये बेसिकली फंक्शन के इनपुट्स होते हैं तो यहां पे -2 जो है वो इस फंक्शन का इनपुट इनपुट होगा ओके okay? मींस के फंक्शन के, के अंदर हमने एक्स की जगह पुट कर देना है जहां भी फंक्शन में एक्स है उस एक्स को हमने माइनस टू से रिप्लेस कर देना है तो अगर हम माइनस टू को उठा के यहाँ पे एक्स की जगह पुट कर दें तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर तो एक्स की जगह हम लिखेंगे माइनस टू तो माइनस टू स्क्वाइनस एक्स और अगेन यहां पे भी, भी हम एक्स को रिप्लेस कर देंगे माइनस टू से क्या बन जाएगा मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ माइनस टू इज सिक्स इट मीन के इस फंक्शन की जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स इजल टू एक्स स्क्स एक्स की वो माइनस टू पे फंक्शन की वैल्यू क्या है सिक्स है कि इस फंक्शन में जब -2 इनपुट होगा तो 6 जो है वो आउटपुट होगा सिमिलरली अब इसी फंक्शन के लिए पार्ट टू पे आते हैं अब पार्ट टू में हमने एफ ऑफ जीरो फाइंड आउट करना है इफ द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट जीरो तो सेम उसी तरह अब हमने इस फंक्शन में x को रिप्लेस कर देना है जीरो से तो क्या बन जाएगा जीरो स्क्वेड माइनस जीरो एफ ऑफ जीरो किसके इक्वल होगा जीरो के थर्ड पार्ट अब हमने इसी फंक्शन के लिए f ऑफ x माइनस वन फाइंड करना है तो यहां पे भी करना है लिखी हुई है उसको उठा के हमने फंक्शन के अंदर इस तरह प्लॉग इन करना है कि फंक्शन के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरियबल x उससे उसको रिप्लेस कर देना तो यहां पर हमने क्या करना है कि यहां पर x को हर जगह पे हर टर्म में हमने x किस से रिप्लेस कर देना है x माइनस वन से तो इट मीन यहां पर एक्स स्क् एक्स माइनस वन फिर माइनस एक्स और यहां पे भी हम x x की जगह लिखेंगे तो ये हो जाएगा अब इसको सिंप्लीफाई कर ले x माइनस वन होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंड माइनस टू टाइम्स एक्स टाइम्स वन माइनस टू एक्स प्लस वन तो ये एक्सपेंशन हो जाएगी एक्स माइनस वन होल स्क्वायर की और फिर साथ माइनस अब देखें बाहर माइनस है तो माइनस टाइम्स एक्स माइनस वन कर रहे हैं तो क्या होगा एक्स स्क्वेर और यहां पे देखें माइनस टू एक्स माइनस एक्स तो ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स एंड वन प्लस वन इज टू एक्स स्क्वे माइनस थ्री एक्स प्लस टू इट मीन्स एफ ऑफ एक्स माइनस वन विल इक्वल टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू अब इसी तरह इस फंक्शन के लिए फोर्थ पार्ट एफ ऑफ एक्स फंक्शन में अब एक्स को किस तरह कर देना है एक्स स्क्सर से तो एक्स स्क्स की जगह स्क्र प्लस फोर स्क्वाइनस एक्स तो, तो यहां पर भी एक्स की जगह स्क्र प्लस फोर सिंप्लीफाई कर दें यहां पे एक्सक्र प्लस फोर का स्क्वेयर ए प्लस बी करें तो ये हो जाएगा का स्क्वायर विच इज सिक्सटीन और यहां पे ये माइनस टाइम्स एक्स स्क्स फोर माइनस एक्स स्क् माइनस फोर ओके इसको अगर फर्दर आगे हम लिखें विच इज इक्वल टू एक्स फोर एट एक्स स्क्स एक्स स्क्सर इन सिक्स फोर इज ट्वेल्व प्लस प्लस फोर इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर फोर प्लस सेवन एक्स स्क्स ट्वेल्व तो ये तो था फंक्शन ए के लिए पार्ट ए में जो फंक्शन था उसके लिए अब हमने ये सारी वैल्यूज फाइंड किए अब इसी तरह अब हम पार्ट बी का जो फंक्शन है उसके लिए ये सारी वैल्यूज फाइंड करेंगे अब हम आ जाते हैं सेकेंड फंक्शन विच इज फंक्शन बी तो यहां पे अब हमारे पास है फंक्शन फंक्शन ऑफ एक्स विच इज एफ एक्स इज इक्वल टू स्क् रूट ऑफ एक्स प्लस फोर तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है जी एफ ऑफ माइनस टू तो यहां पे भी, भी हमने क्या करना है इस फंक्शन में हमने एक्स को रिप्लेस कर देना है किस से माइनस टू से तो ये बन जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ माइनस टू प्लस फोर विच इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ टू अब सेकेंड पार्ट एफ ऑफ जीरो अब हमने यहां इस फंक्शन में x को रिप्लेस कर देना है जीरो से विच इज इक्वल टू जीरो प्लस टू फोर स्कूट अच्छा यहां पे हम वैसे तो स्क्वायर रूट प्लस माइनस टू होता है लेकिन हम यहाँ पे दो वैल्यूज हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि फंक्शन की जो आउटपुट वैल्यू होती है वो हमेशा यूनिक होती है सिंगल होती है ये तो हम इसको पॉजिटिव टू लिखेंगे या नेगेटिव टू लिखेंगे सिमिलरली थर्ड पार्ट एफ ऑफ एक्स माइनस वन अब यहां पे अगेन एक्स किससे रिप्लेस कर देना एक्स माइनस वन से तो एक्स को रिप्लेस कर दें एक्स माइनस वन से और फिर प्लस फोर होल स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर रूट फोर्थ पार्ट एफ ऑफ एक्स स्क्वायेर प्लस फोर अब इसी फंक्शन में x की जगह लिख देर प्लस फोर तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्स प्लस फोर सो विच इजल तो ये प्लस फोर हो जाए इस तरह एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज नाउ दिस इज अवर सेकेंड क्वेश्चन फाइंड

इनमें से हर एक फंक्शन के लिए ओके सो फॉर ईच ऑफ दीज फंक्शन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन ओके तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हम फाइंड करते हैं हर एक फंक्शन के लिए तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट फंक्शन से स्टार्ट करते हैं एंड फर्स्ट फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिक्स एक्स माइनस नाइन तो अब इस फंक्शन के लिए हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है सो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच ओके जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था एफ ऑफ ए प्लस एच यहाँ पे देखें ऑफ एक्स देखेंस नाइन और हमने सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू लिखनी है अब एफ एफ ए प्लस एच का मतलब है कि इस में हमने X की जगह क्या पुट कर देना है ए प्लस एच यानी हमने इस फंक्शन में एक्स को रिप्लेस कर देना है ए प्लस एच से तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच विल्स टाइम्स ए प्लस एच माइनस नाइन और फिर हमने माइनस करना है ओके और फिर हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे एफ ए एफ ऑफ ए मीन्स के अब हमने इस फंक्शन में एक्स की जगह ए प्लग इन कर देना है तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सिक्स ए माइनस नाइन ब्रैकेट इसलिए रखा है क्योंकि बाय माइनस साइन है तो पूरा एक्सप्रेशन माइनस होगा अब देखिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो सिक्स ए सिक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो प्लस सिक्स एच माइनस नाइन माइनस सिक्स है प्लस नाइन ओवर एच ओके अब यहां से देखें काफी सिंप्लीफिकेशन होगी प्लस सिक्स है माइनस सिक्स के साथ आउट हो जाएगा प्लस माइनस नाइन और प्लस नाइन कैंसिल आउट हो जाएंगे ओके? Okay, तो हमारे पास यहां पे क्या बच जाएगा सिक्स एच ओवर एच और यहां से एच और एच भी कैंसल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास आएगा सिक्स सिंपलीफाइड आंसर इज सिक्स तो अब हमने सेम एक्सप्रेशन एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ एफ ए ओवर एच की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर so, दिस सेकंड फंक्शन विच इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स तो अब साइन एक्स के लिए हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है. अब हमारे पास पार्ट टू में जो फंक्शन है एफ एफ एक्स तो तो हमने हमने करना है जी ऑफ ऑफ सो दिस विल बी इक्वल यहां पे भी हमने सबसे पहले देखिए एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू लिखने के लिए यहां पे एफ ऑफ एक्स में एक्स को रिप्लेस कर देना है ए प्लस एच से तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा जी साइन ऑफ ए प्लस एच इसी तरह फिर माइनस एफ ऑफ ए एफ ऑफ ए क्या होगा अब हमने यहाँ पे एक्स की जगह ए प्लग इन कर देने माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय एच ये आ गया अब हमने इस एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे देखें हमारे पास टू साइंस रेशियो के दरमियान माइनस आ गया यानी दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू तो साइन वैल्यूज तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे आपने फर्स्ट ईयर में कुछ आइडेंटिटीज टेग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी कि कैसे हम टेगनोमेट्रिक फंक्शन में सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं यहां पे ये यह फार्मूला हम यूज करेंगे साइन ए माइनस साइन बी इक्वल होता है जी तो हो जाएगा टू टाइम्स कॉज ऑफ ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू तो ये होता था डिफरेंस टू प्रोडक्ट फॉर्मूला पर साइन तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे ओके सो यूजिंग दिस फॉर्मूला देखिए इस चीज को अगर हम लिखें सो दिस थिंग इज इक्वल टू इसको मैं लिख रहा हूं तो साइन ये ए वैल्यू आपकी सारी और ये बी वैल्यू साइन ए माइनस साइन बी तो हो जाएगा टू टाइम्स कॉज ऑफ पहले हमने इन दोनों वैल्यूज को एड करके टू पे डिवाइड करना है इट मीन ए प्लस एच प्लस ए बाई टू और फिर साइन और अब हमने क्या करना है इनको माइनस करना है तो ए प्लस एच माइनस ए बाई टू ये हो गया वो डिवाइड बाय एच जी एज इट इज ओके इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसको तरह लिख सकते हैं टू टाइम्स कॉज ऑफ अच्छा यहां पे देखें ए प्लस ए क्या हो जाएगा टू ए सो टू ए प्लस एच होल्ड बाई टू इस लिख सकते हैं और यहां पे साइन ऑफ एच बाई इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं देखें इस एंगल को टू ए प्लस एच होल्ड बाई टू है तो हम सेपरेटली इसको लिखें टू ए बाई टू प्लस एच बाई टू ठीक क्या लिखेंगे फिर टू टाइम्स कॉज ऑफ टू ए बाई टू कितना हो जाएगा ए प्लस एच बाई सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी ओके तो ये हमारा आंसर होगा ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ एवर एच की फॉर दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स So, अब हम आते हैं थर्ड फंक्शन की तरफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्स वन और इसकी हम इस फंक्शन के लिए हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं तो so, अब हम आते हैं क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ अब हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क् माइनस वन इस फंक्शन के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है

तो क्या होगा एक्स को रिप्लेस कर दी ए तो ज़िएगा ज़िएगा, A प्लस एच से तो एक्स क्यूब की जगह आ जाएगा ए प्लस एच क्यूब प्लस टू टाइम एक्स स्क्सर की जगह आ जाएगा ए प्लस एच स्क्स वन एज इज ये आ गया फिर माइनस और आगे है एफ 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 ए मीन्स अब हमने एक्स को रिप्लेस कर देना फंक्शन में ए के साथ तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस टू ए माइनस वन ओके सबसे पहले हम यहां क्यूब एक्सपेंड करेंगे ए प्लस एच होल क्यूब तो क्यूब का क्या फॉर्मूला था जी हम भी का आइडेंटिटी यूज करेंगे ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वेर बी प्लस थ्री ए बी प्लस बी क्यू इस आइडेंटिटी से हम यहां पे क्यूब एक्सपेंड करते हैं ए प्लस एच होल क्यूब क्या होगा जी ए प्लस थ्री ए एच स्क्र प्लस एच क्यूब और यहां पे प्लस टू और स्क्र एक्सपेंड करें ए प्लस एच होल स्क्वेयर ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस टू ए एच प्लस एच स्क्वेर माइनस वन और यहाँ माइनस के वजह से साइन चेंज हो जाएंगे माइनस ए क्यूब माइनस टू ए स्कूर प्लस वन बाय होल्ड अब हमने इस सारे एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करना क्या होगा जी यहां लिख लेते हैं सो ए क्यूब सो विच इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्र एच प्लस थ्री ए एक्स प्लस एच क्यूब यहां से देखें टू को अंदर मल्टीप्लाई करें यहाँ पे सो टू ए स्क्वेर प्लस फोर ए एच प्लस टू एच स्क्स टू ए ए प्लस फोर एच स्क् और आगे माइनस वन माइनस ए क्यूब माइनस टू ए स्क्वेर प्लस वन होल एवर बे एच भैया हम को सिंप्लीफाई करें देखें प्लस ए क्यूब माइनस ए क्यूब से कट जाएगा ओके एंड माइनस वन प्लस वन से कट जाएगा प्लस टू ए माइनस टू ए स्क्वायर से कट जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर हमारे पास यहाँ पे ये यह बचेगा जी थ्री ए स्क्र एच प्लस थ्री ए एच स्क्र प्लस एच क्यूब प्लस फोर ए एच प्लस टू एच स्क्र ये हमारे पास टर्म्स बच जाएगी अच्छा अब फर्दर कैसे करेंगे आप देखें न्यूमरेटर में हर टर्म में एच आ रहा है तो एच को हम यहाँ से फैक्टर आउट कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं तो यहां से अगर हम एच को कॉमन ले लें न्यूमरेटर में तो ये बन जाएगा थ्री ए स्क्र प्लस थ्री ए एच प्लस एच स्क्र प्लस फोर ए प्लस टू एच डिड बाय अब देखिए ये एच और एच कैंसल आउट हो जाएंगे हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म जो आएगी वो होगी थ्री ए स्क्स थ्री ए एच प्लस एच स्क्सिफाइड वैल्यू होगी किसकी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ एवर एच की फॉर दिस फंक्शन एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क् माइनस वन ओके नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन तो अब हमने दोबारा से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फंक्शन है अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ओके नाउ द फोर्थ फंक्शन इज इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इसके लिए भी अब हमने क्या एवेल्यूएट करने है जी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच ओके तो सबसे पहले अब हमने

ठीक है इसकी कल होता है? ये होता है जी माइनस टू टाइम्स साइन ऑफ ए प्लस बी बाई टू टाइम्स बी बाई टू हम डिफरेंस टू प्रोडक्ट कन्वर्ट करते हैं कॉज के लिए तो ये होगा अब ये किसकी कल हो जाएगी हो जाएगा माइनस टू टाइम्स साइन ऑफ पहले हमने इन दोनों एंगल्स को एड करके टू पर डिवाइड करना है और फिर माइनस करके तो पहले एड करें ए प्लस एच प्लस ए बाई टू और फिर साइन ऑफ अब हमने माइनस करना है तो ए प्लस एच माइनस ए बाई टूर बाई एच अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना तो लिख सकते हैं तो ये हो माइनस टू टाइम्स साइन ऑफ अब देखिए ये जो चीज है इसको हम ए प्लस ए क्या हो जाएगा टू ए तो टू ए प्लस एच बाई टू होल्ड बाई टू इन साइन ऑफ एच बाई टू डी बाई एच माइनस टू टाइम्स साइन ऑफ अब देखिए ये जो फ्रैक्शन है टू ए प्लस एच बाई टू इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं टू ए बाई टू प्लस एच बाई टाइम्स साइन ऑफ एच बाई टू ओवर एच इसको हम फर्दर लिख सकते हैं टू ए बाई टू जो है वो ए हो जाएगा ए प्लस एच बाई टू टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ओवर एच की फॉर दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स इस तरह हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है